पंडित जी नहीं आया अभी तक, 2 बजे आएगा। पंडित जी नहीं आया अभी तक, 2 बजे तक आएगा। तो सो दोस्तों नमस्कार प्रणाम, फिर से आ गया आपका भाई न्यूज ब्लॉग लेके। और बताऊं तो आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और बताऊं तो आज सरस्वती पूजा भी है, तो मेरे गांव में किस तरीके से सरस्वती पूजा होता है तो वो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। मगर सबसे पहले एक बात ये है, जो मेरा एक भाई है छोटा, वो भी यूट्यूबर है, दरभंगा में रहता है, तो काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे आया है। उसका भी चैनल मोनेटाइज हो गया, तो देख सकते हैं ये मयंक। हेलो दोस्तों, आप सब हमको भी सपोर्ट कीजिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए। ये भी भाई बहुत दिन से भी मेहनत करते हैं, इनका 22,000 सब्सक्राइबर्स हो, आप सब जानते ही होंगे। और मेरा चैनल का नाम वाइपर मयंक ब्लॉग है, आप जाके इनके नीचे में लिंक मिल जाएगा, आप सब जाके इनको भी सपोर्ट कीजिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए। और दूसरा बात, आज 26 जनवरी है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे तरफ से। अभी सरस्वती पूजा हम सब जा रहे हैं घूमने, तो सोचे कि बहुत दिन की बात, कभी भी नहीं, बचपन में ही प्रसाद बांटने जाते, मांगने जाते थे, तो आज फिर से जा रहे हैं, पुराना याद फिर से रिटर्न करेंगे। तो आप फुल वीडियो वॉच कीजिए, अच्छा लगे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को गाँव का सरस्वती पूजा। दोस्तों देख सकते हैं हमारे मोहल्ले में बैठा है सरस्वती माता जी, तो सबसे पहले यहाँ का आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ अभी पूजा हुआ ही नहीं है, तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे प्रसाद लेने के लिए, हम भी आए थे प्रसाद लेने के लिए, तो काफ़ी अभी पूजा हुआ ही नहीं है। और मयंक भी मेरे साथ ही है, और ये भी बनाएगा ब्लॉग। पंडित जी नहीं आया अभी तक, 2 बजे आएगा। पंडित जी नहीं आया अभी तक, 2 बजे तक आएगा, तो देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, और प्रसाद यहाँ पर मिला नहीं क्योंकि पूजा हुआ ही नहीं था। तो आगे चलते हैं और दूसरे मोहल्ले की तरफ चलते हैं। और बहुत दिन के बाद ऐसा घूमने में अच्छा लग रहा, क्योंकि साथ में तो बहुत दिन के बाद ही घूम रहे हैं, और हम दोनों तो साथ में बहुत दिन के बाद ही घूम रहे हैं। तो फाइनली आप लोग चलिए दिखाते हैं आप लोग अभी को। साथ में बहुत वीडियो आने वाला है, तो आप सब फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए कि देख सकते हैं हमारे मोहल्ले में 2 पूजा हो रहा है। तो एक्चुअली हम और दूसरे पूजा के पास आ चुके हैं, और फाइनली मयंक के हाथ में प्रसाद मिल गया। यहाँ पे पूजा हो गया था, तो मयंक के हाथ में प्रसाद मिल गया, और माता रानी का दर्शन कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। और ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर लोग भी हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो आगे और भी चलते हैं, और पूरे गांव आज हम लोग घूमेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा थोड़ा सा भी नहीं। और इधर देख सकते हैं साउंड उन बजा रहा है बच्चे लोग, तो चलते हैं। देख सकते हैं बच्चे लोग पन्नी में क्या क्या है, तो देख सकते हैं प्रसादी ले ले करके आ रहा है मांग मांग करके। तो फाइनली जाओ अब आप अपने घर घर की ओर जाओ कि उधर जाओगे, तो ये सब भी जा रहा है इधर, तो देख सकते हैं हम भी लोग चलते हैं इन लोग के साथ में, और काफ़ी मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरीके से पन्नी लेकर के हम भी लोग पहले जाते थे और प्रसाद मांगते थे, और मयंक देख सकते हैं बच्चे के पीछे पीछे जा रहा है प्रसाद मांगने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे टीका लगा दिया गया है, और फाइनली प्रसाद भी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, तो आप भी लोग ले लीजिए प्रसाद। तो और भी जगह चलते हैं, ये ख़त्म कर लेंगे उसके बाद ना। और काफ़ी बताओ तो हम लोग काफ़ी 3-4 जगह घूम चुके हैं, अब घूमने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पूरा गाँव घूमेंगे तो बाइक वाइक लेना पड़ेगा तभी घूम पाएंगे, क्या है ना मयंक? गाँव तो छोटा थोड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पैदल नहीं जा सकते हैं, गाड़ी का जरूरी पड़ने वाला है, इसके कारण अभी हम सबको थोड़ा और दूसरा भी काम है, इसके खातिर सोच रहे हैं अब कल भी घूमेंगे, आज थोड़ी अभी 2 दिन है सरस्वती पूजा, अभी तो फिलहाल आप सबके लिए वीडियो लाने के लिए अभी कर रहे हैं। देख लीजिए आप सबके लिए मेहनत, आप सबको वीडियो डेली लाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब लाइक नहीं करते तो बहुत दिल से बुरा लगता है, लाइक कर दीजिए, नए चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो का लिंक इनके वीडियो के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा चैनल का। तो फाइनली आप लोग जाके इनको भी सपोर्ट कर दीजिएगा। और बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगा आज सरस्वती पूजा में गांव में घूम करके, और देखते टीका भी लगा दिया फैन सब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग दूसरे रास्ते से, ये वाले रास्ते से चलते हैं अपने घर, क्योंकि ये गाछी कलम वाला रास्ता है, तो इसी होकर के जाते हैं घर अभी हम लोग। तो चलिए